कल एक घटना हुई है, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है, मारपीट की गई है, और मैं कहता हूँ वो कावड़ ही नहीं हो सकते हैं, वो उपद्रवी। क्या माथे पे लिखवा ले लोग, क्या करें, कैसे आपको भरोसा होगा? पहले भी कई प्रयोग हुए, राजनीतिक प्रयोग है, उम्मीद है उनको लगता है इसका उपयोग होगा, लेकिन जब तक हम जैसे लोग हैं हम बटने नहीं देंगे लोगों को। देखिए मैं फिर ये कह रहा हूँ, देश में बहुत सारे विषय हैं लेकिन इस विषय पे भी चर्चा हो रही है। रेलवे के इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, नौजवान सड़कों पे, नीट का इशू इतना बड़ा इशू है, तमाम तरह से भर्ती में पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन अगर कावड़ पे भी बात करना चाहे तो कावड़ का हाल ये है कि कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, जैसे कल एक घटना हुई है, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है, मारपीट की गई है, और मैं कहता हूँ वो कावड़ ही नहीं हो सकते हैं, वो उपद्रवी। कावड़ी तो बहुत शालीनता से तमाम तरह का दुख कष्ट है कि वो कावड़ लेके आते हैं, वो तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उनके उनके साथ साथ कुछ ऐसे असामाजिक तत्व उपद्रवी कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसी काम लोगों को डर है। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर क्या है यूपी में इसको बताना नहीं पड़ेगा। मेरठ में 2.5 साल की बच्ची का रेप और हत्या हुई है, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। तमाम तरह से डिस्क्रिमिनेशन ये देश सदियों झेलता रहा, अब और कितना बांटोगे? क्या माथे पे लिखवा ले लोग, क्या करें, कैसे आपको भरोसा होगा कि सब लोग प्रेम भाव से रहना चाहते हैं? देखिए भाजपा पहले प्रयोग करती है फिर उसका उपयोग करती है। पहले भी कई प्रयोग हुए, राजनीतिक प्रयोग है, उम्मीद है उनको लगता है इसका उपयोग होगा, लेकिन जब तक हम जैसे लोग हैं हम बटने नहीं देंगे लोगों को। और मैं फिर आपको स्पष्ट कर दूं, जिनका आर्थिक नुकसान करने के लिए बीजेपी ये कर रही है, उनके बच्चों का क्या होगा? वो भी इंसान है। जब प्रधानमंत्री बात कर सबका सबके विकास की, तो इसमें मुसलमान क्यों बाहर है? क्या उनके जिन लोगों के रोजगार खत्म हो गया, जिनको निकाल दिया काम से, उनके बच्चों क्या होगा, उनके घर का क्या, उनकी माओं का क्या होगा, उनके पिताओं क्या होगा? एक दूसरे पर आधारित है लोग, एक बेटा पूरा घर चलाता है, तो उनका क्या होगा जिनका आर्थिक बहिष्कार कर रहे हैं? ये जो है सिर्फ राजनीतिक एजेंडे के थ्रू किया जा रहा है, इसका नुकसान देश को हो रहा है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री से मांग कर रहा हूं कि हरदर्दमिता छोड़ें और ऐसा कोई काम ना करें जिसको जो कावड़ यात्रा करने वाले जो हैं श्री भक्त हैं वो भी जिसको स्वीकार नहीं करें, ऐसा कुछ ना करें। और मेरा मानना है कि हो सकता है मुख्यमंत्री अपने फैसले जल्द वापस लें। एक और सवाल है, सरकारी जो कर्मचारी है वो आरएसएस में पार्टिसिपेट कर सकते? वो तो पहले से थे, अब ओपन हुआ है, अब ओपन हुआ है, वो तो पहले से थे। कौन कहता है पहले से नहीं थे? कितने अधिकारी कहते हैं कि मैं संघ की शाखा में जाता हूं, मैं संघ से जुड़ा हुआ हूं? वो पहले पिछले दरवाजे से थे, अब सामने से हैं। भाई सरकार है, कुछ ही कर लो। अब मैं तो आज सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करता हूं कि उन्होंने सोच समझ के कुछ अगर बैन किया तो कुछ सोच समझ के किया होगा। आरएसएस पे बैन किया, क्यों किया? कुछ इसका कारण ही रहा होगा। और मैं फिर कह रहा हूं अब तो भाजपा और आरएसएस की दोनों अलग अलग से दिखाई देती है, तो क्या होगा ये चिंता का विषय है। लेकिन आज हम दिल्ली में हैं, बाढ़ से लोगों के घर डूब रहे हैं, लोगों के जीवन जो है बुरे हाल हो रहे हैं, इस पे भी सरकार को जवाब देना चाहिए। इस डिस्कशन पे भाग के काम नहीं चलेगा, जवाब देना पड़ेगा। नीट पर सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या कहेंगे? क्वेश्चन आवर में आज जो है 6 सवाल लिए गए हैं, आप ही बताइए इतने मेंबर है कहाँ जाएंगे? क्वेश्चन आवर बड़ा होना चाहिए। कल भी हमने सुझाव दिए थे ऑल पार्टी मीटिंग में, हमने ये भी कहा था कि संसद का सत्र को भी बढ़ाना चाहिए जिससे कि लोग अपने विषय पे बोल पाए। हमारे क्षेत्र नगीना से मैं आता हूँ, इतनी समस्या है नगीना में, बाढ़ हमारे सबसे ज्यादा हमें प्रभावित करेगी, बेरोजगारी सबसे ज्यादा हमें प्रभावित करेगी, वो बॉर्डर एरिया है, वहां से आवारा पशुओं ने बुरा हाल कर रखा है, गुलदार तमाम तरह की और चीजें, जनता की जान जा रही है, किसी को परवाह नहीं है। तो नीट में जो बच्चे हैं सुसाइड कर रहे हैं, परेशान हैं, भविष्य जो खिलवाड़ हो, इस पर जवाब देना पड़ेगा सरकार को। सरकार नहीं भाग सकती है, और सिर्फ मंत्री जी की आरोप लगा के पिछली सरकार में होते, फिर आप क्या कर रहे हैं, फिर आपने क्या बदला? तो इसलिए हमने कहा कि मंत्री जी को जवाब देना पड़ेगा और उसके लिए मंत्री तैयार हूं।